ग्वालियर कृषि उपज मंडी पिछले वर्ष 40 से 45 लाख का घाटा पूरा होने के बाद अब प्रॉफिट में आ गई है। जी हां, कृषि उपज मंडी के सचिव कदम सिंह ने बताया कि कृषि उपज मंडी का शुल्क लगभग 40 से 45 लाख रुपए घाटे में चल रहा था। वर्ष 2023 में कदम सिंह के आते ही वह घाटा भी पूरा हो गया और मंडी लगभग 1 लाख रुपए में फायदे में आ गई। उन्होंने बताया कि कई दुकानदार पिछले कई सालों से लगभग 28 से 30 दुकानों पर अतिक्रमण किए बैठे थे, उनके आते ही अतिक्रमण मुक्त हो गया और मंडी सुचारू रूप से चल रही है। कदम सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 अक्टूबर में शुल्क मंडी 1.5 रुपया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने 1 रुपया कर दिया। यदि 1.5 रुपया होता तो मंडी का शुल्क लगभग 30 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट में होता। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। मंडी में इस समय विधिवत पूरी चल रही है। मंडी में जब से मैं आया हूँ कोई नया अतिक्रमण नहीं होने दिया। पुराने अतिक्रमण को भी 28 दुकान हमारे द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त की गई। दूसरी बात, जब मैं 11 मई को आया था तो लगभग मुझे 40 से 45 लाख रुपए पिछले मई अप्रैल की तुलना में कम मिला था मंडी शुल्क, क्योंकि मेरी पोस्टिंग होने के बाद मैंने देखा तो वो 40-45 लाख रुपए का माइनस था। वो मेरे द्वारा अभी तक पूरा कर लिया गया है और प्लस मैं हो गई हूँ।